हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, अदानी के शेयर्स में पिछले काफी दिनों से बढ़िया तेजी देखने को मिली है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली थी और तो और इलेक्शन का माहौल चल रहा था, तब से अदानी के शेयर्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी ग्रीन हो या अदानी गैस हो, अदानी के सारे शेयर्स बढ़िया तेजी में चल रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, 150 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में अदानी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी देके रखा हुआ है, वहां से आप अपना अकाउंट भी इजीली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज देखेंगे तो 150 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में अदानी एंटरप्राइज के शेयर में 2.42% का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, 146 रुपीज से करीब का लो बना है और 153 रुपीज के करीब का हाई है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में हालांकि 4.5% की गिरावट जरूर है, लेकिन इस बीच 142 रुपीज के करीब का लो है और ऑलमोस्ट 159 रुपीज के करीब का हाई है। एक साल की अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज में हालांकि एक साल में 36% का ग्रोथ है। 104 रुपए के करीब का लो बना था और आप देखिए कि 230 रुपए के करीब का हाई बना है। चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम से तेजी आती है और एकदम से गिरावट आती है। देखिए, एक बढ़िया तेजी आती है, फिर धीरे धीरे गिरता है, फिर वापस से तेजी चलती है, फिर गिरावट आती है बड़ी, और फिर से एक बहुत बड़ी रैली भी इसमें देखने को मिलती है। अदानी एंटरप्राइज के अगर हम पीछे देखिए, मिड कैप स्टॉक है ये, 16,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में आप देखेंगे तो 46 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। नतीजे की बात करेंगे तो देखिए, नतीजे बड़ी इसके अच्छे आए थे। मार्च क्वार्टर के नतीजे डेफिनेटली इनके बढ़िया थे। अगर हम नेट सेल की बात करेंगे तो नेट सेल में ऑलमोस्ट 26% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। आप देखिए, नेट सेल्स मार्च 2018 में 9,760 करोड़ के आसपास था, दिसंबर 2018 में ये 10,430 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2019 में 13,235 करोड़ तक पहुंचा। और नेट प्रॉफिट भी काफी बढ़िया तरीके से इनका इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 207% का ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। दिसंबर 2018 में 92 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ था और मार्च 2019 में ये आप देखिए कि 283 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट इनको देखने को मिला है। प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा बहुत इंक्रीज जरूर हुआ है इनका। और यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो देखिए 66.33% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस के पास 19.30% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 1.90% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 3.24% की होल्डिंग है। अदर डीएस के पास 9.23% की होल्डिंग है। देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा है, 66.33% की होल्डिंग है, लेकिन उसमें से 33.21% की होल्डिंग इन्होंने गिरवी रखी हुई है। 14 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 129 एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड जरूर है। प्रमोटर्स विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो गौतम अदानी है जिनके पास 56.48% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करेंगे तो इलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है जिनके पास 4.41% की होल्डिंग है। 2.19% की इंडिविजुअल होल्डिंग यहां पर है और डिविडेंड भी पे कर रहा है ये, आपको 40% का डिविडेंड पे कर रहा है, पर शेयर आपको 40 पैसे यहां पर मिल रहे हैं। अदानी के बारे में अगर हम मनी कंट्रोल में जाऊं तो 100% बाइंग रिकमेंडेशन यहां पर देखने को मिल रही है और उसके रीजंस भी है जो मैं आपको इस वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। पी की बात करेंगे तो 23.08 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 32.75 है। बुक वैल्यू 137.69 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.09 है। ईपीएस 6.52 है। फेस वैल्यूज 1 की है। डिलीवरीज 14.53% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इनके फाइनेंशियल्स के बारे में तो कंपनी की बैलेंस शीट पे कर्जा जरूर है। 2,840 करोड़ के आसपास का कर्जा इनके ऊपर है, जरूर ये ज्यादा कर्जा, मैं इसको जरूर मानता हूँ। टोटल असेट्स 6,000 करोड़ से भी ज्यादा के टोटल असेट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करेंगे देखिए तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर लाखों की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, लाखों की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, आदित्य हो या कोटक हो, तो लाखों में होल्डिंग इन्होंने खरीदी हुई है। यहाँ पर 100% बाइंग रिकमेंडेशन इसीलिए है क्योंकि कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बेटर दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी गैस हो, अदानी ग्रीन हो या अदानी पोर्ट हो कंपनी, और तो इनका जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लांट है, माइन का जो प्लांट है,
उनके भी अप्रूवल्स, ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि जल्दी इनके अप्रूवल्स भी आ जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक्चुअली बेटर थे ही ऑलरेडी, लेकिन नई गवर्नमेंट बनने के बाद कहीं ना कहीं चांसेस है कि इनके अप्रूवल्स है उसकी तेजी शायद आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अदानी एंटरप्राइज में अगर आपने खरीदारी की हुई है तो बने रहिए, डेफिनेटली बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए लास्ट टाइम भी जब लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ था उसके बाद ये आप देखिए कि शेयर्स में कितनी बढ़िया तेजी देखने को मिली। 2014 के का जो लोकसभा इलेक्शन था उसके बाद तेजी आप देखिए कि शेयर सीधा सीधा शेयर बहुत ऊपर गया था, काफी ऊपर ये शेयर गया हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि शायद उसी तरीके की सिचुएशन आपको आने वाले दिन में अदानी में भी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि शायद डबल हो जाएगा या आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं जरूर ये कहता हूँ कि अगर आप इसमें 1 साल होल्ड करेंगे तो ये शेयर आपको कम से कम 180 से 200 रुपये के ऊपर, 200 रुपये के ऊपर ये 1 साल के अंदर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसमें क्या करें, आप खरीदारी करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपने नहीं खरीदा है तो होल्ड भी आप कर सकते हैं इसमें। और अदानी ही नहीं और भी जितने इनकी कंपनीज है, चाहे वो अदानी गैस हो गया, अदानी ग्रीन हो गया या अदानी पोर्ट हो गया, वो भी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेंगी ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कितने प्राइस पर खरीदना चाहिए, हालांकि अदानी गैस काफी ऊपर के प्राइस पर खरीद रहा है तो उस और अदानी पोर्ट भी काफी ऊपर है, तो हाल फिलहाल में दो कंपनीज है अदानी, चाहे अदानी एंटरप्राइज हो या अदानी ग्रीन हो, वो दोनों मुझे हाल फिलहाल लग रहा है कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, बढ़िया प्राइस पर वो मिल रहा है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लॉन्ग टर्म का इसमें पोर्टफोलियो लेकर चलें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।